पंचायत चुनाव में मतदान के बाद हुए वोटों की गिनती के बाद देर रात तक नतीजे सामने आने लगे हैं। बालोद जिले के डोंडी लोहारा व डोंडी ब्लॉक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान प्रथम चरण में संपन्न हुआ, जिसमें डोंडी लोहारा ब्लॉक में जनपद सदस्य सरपंच व पंच के लिए मत डाले गए। जिला पंचायत के लिए हुए चुनाव में 5 सीट में 4 पर कांग्रेस जीत गई, वहीं एकमात्र सीट पर भाजपा के होरीलाल रावटे ने जीत दर्ज किया है। क्षेत्र में जिला पंचायत की हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही क्षेत्र क्रमांक 8 में भेड़िया खानदान की बहू श्रीमती बसंती बाला भेड़िया ने जीत दर्ज की है। वहीं जनपद में भी डोंडी लोहारा में कुल 25 सदस्यों में से करीब 17 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत कर आए हैं। इसी के साथ यहां कांग्रेस को बहुमत मिल गया है। जिला पंचायत के चुनाव में जहां चंद्र प्रभा सुधाकर, मिथिलेश नुरेटी, होरीलाल रावटे, करिश्मा सलामे विजयी हुई, तो वहीं जनपद सदस्यों में भी नए चेहरे इस बार चुनाव जीत कर आए हैं, जिसमें माधोगिरी गोस्वामी, पोषण बनपेला, जागृति सोनकर, शकुनबाई साहू, पुष्पा मंडावी, वेणु मालेकर, राजू प्रभाकर, ज्योति राजपूत जैसे नाम शामिल हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद आए नतीजे से बालोद जिला पंचायत के लिए कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। बालोद जिले की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 8, जो कि प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया का भी विधानसभा सीट है और बहुत से पंचायत इस जिला क्षेत्र में शामिल है। इस कारण पारिवारिक प्रतिष्ठा इस सीट पर चुनाव जीतने के लिए लगी हुई थी। इस क्षेत्र के राजनीतिक पटल पर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में पहचान बनाने वाले व मध्य प्रदेश सरकार में आदिवासी वर्ग के कद्दावर नेता व कई विभागों में मंत्री पद पर बने रहने वाले स्वर्गीय झुमुकलाल भेड़िया रहे हैं, जिन्होंने लगभग 30 वर्षों तक इस सीट पर एकछत्र राज किया। वहीं दूसरी पीढ़ी में दोमेंद्र भेड़िया सहकारिता क्षेत्र के बड़े नामों में जाने जाते हैं। अपेक्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष व इसी सीट पर विधायक भी निर्वाचित हुए थे। वहीं वर्तमान में श्रीमती अनिला भेड़िया, जो कि दूसरी बार इस सीट पर विधायक बन वर्तमान में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बनी हैं, काफी बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के। अब पंचायत चुनाव के रास्ते तीसरी पीढ़ी के महिला नेत्री ने राजनीति में कदम बढ़ा दिए हैं, जिनको जनता का आशीर्वाद मिल गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार के लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें IDP24 न्यूज़। और हाँ, यूट्यूब में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।